हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग एमएस वर्ड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में एमएस वर्ड के बेसिक्स को समझा था और उसके बाद हम लोगों ने फाइल मेनू को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं और आगे जो है और हम लोग जो है मेन्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइक जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुँच रही है नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेज वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आप चाहे बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, ट्रिपल सी कर रहे हो, या फिर वो लेवल जैसे संबंधित कोर्स कर रहे हो, तो उसमें एक एमएस वर्ड एक अहम रोल अदा करता है, तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा और शुरू करते हैं आज की हम लोग इस वीडियो को और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो एमएस वर्ड 2003 का जो है हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो के माध्यम से अगर हम लोग बेसिकली बात करें, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है फाइल मेन्यू को डिस्कस किया था, आज हम लोग एडिट मेन्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है नहीं। ठीक है, आई होप आप लोगों तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एडिट मेन्यू का, सबसे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से फाइल मेन्यू को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे ऑप्शंस को समझा था। आज हम लोग एडिट मेन्यू की यहाँ पर बात करने वाले हैं। एडिट मेन्यू में बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो टोटल और टोटल 12 फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, 12 फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है वो है आपका अंडू का, अंडू क्लियर, फिर आपका रीडू क्लियर। ठीक है, और इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं यानी कि कंट्रोल प्लस जेड अंडू क्लियर, कंट्रोल प्लस वाई रिपीट या रीडू क्लियर, इसके बाद आपका जो है कट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, जो कुछ आपका थोड़ा कम लाइटेड ऑप्शंस दिख रहे हैं पहले हम लोग इनको हाईलाइटेड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग थोड़ा एक कुछ लिखते हैं अपना। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर से बात करें आपकी एडिट मेन्यू के ऑप्शंस की, तो इसमें से कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है अंडू और जो है आपके रीडू, फिर कट और कॉपी, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑफिस क्लिप बोर्ड। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आप जो है अभी वीडियो में। अभी हम लोग पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार, अंडू फिर रीडू कट कॉपी फिर ऑफिस क्लिपबोर्ड, उसके बाद पेस्ट, फिर उसके बाद पेस्ट स्पेशल जिसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, उसके बाद जो है क्लियर, क्लियर क्लियर में दो ऑप्शन बेसिकली खुलेंगे, फॉर्मेट और फॉर्मेट के बाद आपका कंटेंट डिलीट। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट ऑल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल जिसको हम लोग कंट्रोल प्लस ए से कर सकते हैं, उसके बाद जो आएगा वो आएगा फाइंड कंट्रोल एफ, उसके बाद रिप्लेस, रिप्लेस कंट्रोल एच के द्वारा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और गो टू। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है आपका अंडू ऑटो फॉर्मेट। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड जिसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, यानी कि एक स्टेप इसके द्वारा हम लोग पीछे जा सकते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं अंडू उन कार्यों को एक एक करके हटाता जाता है, एक बार में 24 टाइम हम लोग अंडू कर सकते हैं। ये नोटेड वाली बात है, नोट कर सकते हैं आप इसको, एक बार में हम लोग कितने बार अंडू कर सकते हैं, तो एक बार में लगातार हम लोग 24 टाइम्स अंडू कर सकते हैं। अब अंडू करने की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये क्लिक किया अंडू पे, तो अभी जो हम लोगों ने लिखा तो इस प्रकार से एक टाइम अंडू हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद स्पेस देकर हम लोगों ने लिख दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग कंट्रोल प्लस जेड अंडू करेंगे तो इसमें केवल सॉफ्टवेयर गायब होगा, क्योंकि एक टाइम यह चाहता है। ठीक है, एक टाइम यह डिलीट करता है, वन टाइम वाला, यानी कि एक स्टेप पीछे का यह जो है डिलीट करता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए। ठीक है, और अगर हम लोग इसके बाद रीडू की बात करें, सेकंड ऑप्शंस की रीडू की अगर हम लोग बात करें, रीडू टाइपिंग कंट्रोल प्लस वाई, तो इसको अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो ये हमारा वापस से जो हम लोगों ने डिलीट किया था, एक स्टेप डिलीट किया था अंडू के द्वारा, वही हमारा फिर से आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। रीडू ऑप्शन के द्वारा हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं, अंडू से जो डेटा हटाया जाता है रीडू से उसको वापस कर सकते हैं। आई होप आप लोग इसको भी क्लियर समझ गए होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका कट। कट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डेटा को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, तब जाके हम लोग डेटा को कट कर सकते हैं। जैसे कि कट के लिए हम लोग कंट्रोल एक्स शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं, मतलब पहले हम लोग समझेंगे, जैसे मतलब हम लोगों ने
सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए हम लोग राइट जो है माउस की लेफ्ट की प्रेस करेंगे और फिर माउस को खिसकाएंगे तो हमारा ये जो है सिलेक्ट हो जाएगा डेटा। अब डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, कौन सा, कट को। कट अगर हम लोग कट को करेंगे, अगर हम लोग कट ऑप्शंस के द्वारा कट को करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से ये कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स के द्वारा भी यही हो जाएगा और कंट्रोल, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कट की बात, तो जो है इस ऑप्शंस के द्वारा डेटा को कट कर सकते हैं। जो भी डेटा कट करते हैं वह अपने स्थान से हटकर ऑफिस क्लिपबोर्ड में पहुंच जाता है। ठीक है, जो डेटा हम लोग कट किए हैं वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ डेटा जो है ऑफिस क्लिपबोर्ड में पहुंच जाता है। अगर हम लोग कंट्रोल भी करेंगे तो वह कट किया हुआ डाटा यानी कि पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉपी ऑप्शंस की, अगला ऑप्शंस जो है वह है हमारा कॉपी है। ठीक है, कॉपी के लिए भी हम लोगों को डेटा सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए हम लोगों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने कॉपी का ऑप्शन प्रेस किया, कंट्रोल प्लस सी के द्वारा हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट कीज के द्वारा यूज कर सकते हैं। और कॉपी के द्वारा हम जो है डेटा को कॉपी कर सकते हैं जिसमें डेटा अपने स्थान पर रहता है और इसकी एक कॉपी क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। क्लिपबोर्ड में एक कॉपी जो है इसकी स्टोर हो जाती है। अब अगर हमें इस डेटा को कहीं पर रखना है तो उसको हम लोग कंट्रोल भी के द्वारा उस डेटा को वहां जाकर रख सकते हैं। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। लेकिन यह एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि जो है हम लोग कॉपी का डेटा या कट का डेटा जब हम लोग करते हैं तो वो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, तो यह आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगला ऑप्शन जो हमारा है ऑफिस क्लिपबोर्ड, ये ऑफिस क्लिपबोर्ड, इसमें जो है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, ये डेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ पर स्टोर है। ठीक है, इसको हम लोग इसके द्वारा कॉपी कर सकते, वो पेस्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे जब ऑप्शन इसमें आ जाएंगे आप बहुत सारा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें क्रम वाइज इसको कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है पेस्ट ऑल कर सकते हैं या फिर क्लियर ऑल कर सकते हैं। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार में कितना डेटा स्टोर होता है, 1 से लेकर 24 तक। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें अगले ऑप्शंस की, तो अगला जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है आपका पेस्ट। पेस्ट ऑप्शंस के द्वारा हम ऑफिस क्लिपबोर्ड के डेटा को कर्सर पॉइंट के स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कंट्रोल पी के द्वारा जो है पहले सिलेक्टेड डेटा किया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड डेटा है, इसको हम लोग जितनी बार प्रेस करेंगे ये आपका पेस्ट होता जाएगा ये। ठीक है, या फिर कंट्रोल पी कर देंगे तो ये आपका सिलेक्टेड डेटा पेस्ट होता होगा, कंट्रोल भी करेंगे तो ये आपका पेस्ट किया हुआ सिलेक्ट किया हुआ डेटा पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है उसकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें एडिट मेन्यू में, जो अगला ऑप्शन है हमारा वह आपका पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के द्वारा हम लोग डेटा को विदाउट फॉर्मेटिंग के पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, इसके द्वारा हम लोग विदाउट फॉर्मेटिंग के पेस्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट डेटा को पिक्चर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की जो सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं वो हम लोग पेस्ट स्पेशल के द्वारा कर सकते हैं। आइए हम लोग पेस्ट स्पेशल को यूज करते हैं। पेस्ट स्पेशल में इस प्रकार से जो कुछ लाइन खुलेगा इसमें जो है आप लोग इस डेटा को आप लोग HTML फॉर्मेट में, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में या फिर अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास एडिट मेन्यू का वो है आपका क्लियर। क्लियर की अगर हम लोग बात करें तो इसको अप्लाई करने से सेलेक्ट किया हुआ डेटा डिलीट हो जाता है। इसमें क्लियर में दो ऑप्शंस खुलते हैं, फॉर्मेट्स और कंटेंट डिलीट। तो फॉर्मेट डिलीट में अगर हम लोग बात करें तो इसको अप्लाई करने से जो है सिलेक्टेड डेटा की फॉर्मेटिंग हट जाती है। फॉर्मेटिंग हट जाना है मतलब इसमें अगर हम लोग जैसे कि इस वाले सिलेक्टेड डेटा में हम लोगों ने इटैलिक लगा दिया, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसको फॉर्मेट करेंगे, इसको क्लियर करेंगे तो इसमें क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो इसका जो है ये जो फॉर्मेटिंग लगाई थी हम लोगों ने इटैलिक यानी कि जो तिरछे अक्षर थे वो हमारे हट जाएंगे, जो सिंपल डेटा होगा वो बचेगा। आई होप आप लोग इसकी फॉर्मेटिंग को भी समझ चुके होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका एक और ऑप्शन है आपका कंटेंट डिलीट। अगर कंटेंट डिलीट पर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो कंटेंट ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो अगला जो ऑप्शन है वो फाइंड है। ठीक है, फाइंड की अगर हम लोग बात करें कंट्रोल एफ जिसकी शॉर्टकट की होती है, और इस ऑप्शन के द्वारा हम लोग जो है फाइल में लिखे हुए शब्दों को खोज सकते हैं।
मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको यूज करने की बात करें तो इसमें हम लोग लिखते हैं फॉक्स, ठीक है, और इसमें कर देते हैं ये आपका फॉक्स, यहाँ पर इसने फाइंड करके दे दिया। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये अगली बार फाइंड नेक्स्ट इधर, ये जितने बार भी आपका फॉक्स लिखा होगा ये उस पर हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपका फाइंड का कार्य हुआ। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है आपका रिप्लेस, रिप्लेस कंट्रोल एच के द्वारा हम लोग इसको कर सकते हैं। रिप्लेस स्थान, रिप्लेस ऑप्शंस के द्वारा हम एक शब्द को खोजकर उस शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं या रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को रिप्लेस करना है, कंट्रोल एच हम लोगों ने प्रेस किया और इसमें हम लोगों ने फॉक्स को रख दिया, फॉक्स की जगह हम लोगों को रखना है डॉग, ठीक है। तो जितने टाइम भी फॉक्स लिखा था वन टाइम रिप्लेस करना है, पूरी जगह रिप्लेस करना है या फिर फाइंड करके रिप्लेस करना है। तो जितने जगह भी जितने टाइम भी जो है आपका फॉक्स लिखा हुआ उतने टाइम आपका डॉग हो जाएगा, ये आपका डॉग हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ चुनिंदा शब्दों को खोजकर उसके स्थान पर दूसरे शब्द को रिप्लेस के माध्यम से रिप्लेस कर सकते हैं और इसके लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसकी अगर हम लोग बात करें वो ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल की अगर हम लोग बात करें, कुछ ऑप्शन इधर उधर हम लोग देख रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सारे के सारे ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्ट ऑप्शन के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल का पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जितना भी डेटा हम लोगों ने फाइल में लिखा है उसको हम लोग सिलेक्ट ऑल के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गो टू का, लास्ट ऑप्शन है हमारा गो टू, जिसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जी यूज कर सकते हैं। और गो टू इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल के किसी भी पेज, पैराग्राफ या फिर लाइन पर या बुक मार्क आदि पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो गो टू की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। गो टू के माध्यम से हम लोग कौन से पेज पर जाना चाहते हैं, कौन से पैराग्राफ लाइन पर जाना चाहते हैं या फिर हम लोग कौन से बुक मार्क पर जाना चाहते हैं, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने हमारे पास पेज तो एक ही है, ठीक है। इसमें हम लोग अगर हम लोग पेज ज्यादा रखते हैं तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और जो है हम लोग पैराग्राफ कौन से पैराग्राफ पर जाना चाहते हैं इसको भी यूज में यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। और आज का जो एडिट मेन्यू था वह यहीं पर समाप्त होता है। अगर हम लोग बात करें आज की वीडियो की तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने एडिट मेन्यू को डिस्कस किया। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग व्यू मेन्यू को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फाइल मेन्यू को डिस्कस किया था, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।